बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू लर्न टू इंस्पायर। चैप्टर फोर हम स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर फोर का आज हमारा लेक्चर नंबर फोर है। दिस इज रिलेटेड टू सेल ऑर्गेनेलिस, और सेल ऑर्गेनेलिस को हम दो लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। आज उस सिलसिले का ये पहला लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और ब्लास्टिड्स को डिटेल से स्टडी करेंगे। इनके इसमें स्ट्रक्चर और फंक्शंस को हम डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले स्टडी करते हैं न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस की सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन मींस, जैसे कि पहले आपको पता चल चुका है कि ये किन सेल में पाया जाता है। इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकेरियोट्स, यानी एक्सेप्ट मोनेरॉन्स, जिसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया शामिल हैं। उसके अलावा तमाम ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस की सेल में लोकेशन या पोजिशन क्या होती है? इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एनिमल सेल, बट इट इज असाइड इन द प्लांट सेल्स। प्लांट सेल में चूंकि एक बड़े साइज का वैक्यूल होता है, इस वजह से न्यूक्लियस जो है उनके सेल्स में एक साइड पे होता है। अब हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर जो है उसको देखने के लिए एक डायग्राम ओपन करने लगा हूं मैं। ये देखें, ये आपके पास जो है एक टिपिकल न्यूक्लियस की डायग्राम है। इसमें ये जो मेम्ब्रेन है, दिस इज बेसिकली ए डबल मेम्ब्रेन, जिसको न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं, और ये इसमें पोर्स हैं। इन पोर्स की वजह से जो न्यूक्लियर एनवेलप है सेमी परमीएबल है, और न्यूक्लियस ने जब कोई मटेरियल को एक्सचेंज करना होता है विद द साइटोप्लाज्म, तो ये इन न्यूक्लियर पोर्स के जरिए होता है। ये फ्लूइड पोर्शन है विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लास्ट। और न्यूक्लियोप्लास्ट के अंदर ये एक डार्कली स्टेन स्ट्रक्चर है, जो एक से ज्यादा हो सकते हैं। इसको न्यूक्लियोलस कहते हैं, या प्लूरल इसका न्यूक्लियोलाई है। और इसके अलावा साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जो अगर विजिबल हो जाएं तो क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, और अगर ये लूज थ्रेड की फॉर्म में होंगे और कोई टिपिकल स्ट्रक्चर उनसे ना बन रहा हो, जैसे ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, तो उसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। अब न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास न्यूक्लियर एनवेलप है, जैसे मैंने बताया। इट इज डबल मेम्ब्रेनस एंड पोरस, एंड इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इनसाइड एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। देन देर इज न्यूक्लियोप्लाज्म, दिस इज ग्रेनुलर फ्लूइड, इट कंटेन न्यूक्लियोलाई एंड क्रोमोसोम्स। जैसे मैंने बताया था कि इसमें ये डार्कली स्टेन स्ट्रक्चर है, जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं, और इसको प्लूरल क्या है, न्यूक्लियोलाई। इसके अलावा इसके अंदर ये क्रोमोसोम्स जो है ये मौजूद हैं। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियोलस। इट इज बेसिकली ए डार्क स्पॉट। डार्क स्पॉट को इसलिए इसलिए कहते हैं कि जब हम इसकी स्टेनिंग करते हैं तो स्टेन जो है ये डार्क होता है, इस वजह से इसको डार्क स्पॉट कहते हैं। इट इज बेसिकली साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए, और बाद में ये राइबोसोमल आरएनए आपस में अरेंज करके राइबोसोम बना देते हैं। लिहाजा हम ये कहते हैं कि न्यूक्लियोलस इज द फैक्ट्री ऑफ सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स। नेक्स्ट हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं। जैसे अभी आपको मैंने बताया, थोड़ा सा फिर डिटेल से बताता हूँ इसको। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड्स ऑफ क्रोमेटिन, दे आर विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड दे आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ये बेसिकली क्रोमोसोम्स जो है ये डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, और ये उस वक्त विजिबल होते हैं जब सेल डिवाइड कर रहा होता है। न्यूक्लियोलाइड एक टर्म है जो प्रोकैरियोटिक सेल के लिए इस्तेमाल होती है। दिस इज बेसिकली द थिक रीजन इन द साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया सेल वेयर द क्रोमोसोम ऑफ द बैक्टीरिया आर प्रेजेंट। सम टाइम इट इज आस्क्ड शॉर्ट क्वेश्चन अबाउट द न्यूक्लियाइड। देन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज बेसिकली कॉल्ड एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, एंड इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिन को समझने के लिए मैंने एक डायग्राम ओपन किया है। ये आपके पास कुछ अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। बेसिकली ये चार अल्फाबेट्स होते हैं, एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। ये चार न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। चार न्यूक्लियोटाइड कॉम्बिनेशन से ये डीएनए का मालिक्यूल बना होता है, जो बेसिकली एक डबल हेलिक्स की फॉर्म में होता है। जब इस डीएनए के मालिक्यूल के साथ प्रोटीन्स मिलती हैं, प्रोटीन्स का नाम हिस्टोन है। हिस्टोन प्रोटीन्स जो होती हैं ये मिलके ये बीडेड फॉर्म्स बनाती हैं स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। और उसके बाद जो है ये जो न्यूक्लियोसोम्स हैं ये बेसिकली आपस में थोड़ा सा कम्पैक्ट फॉर्म जब बनाते हैं, तो दैट इज थ्रेड लाइक फॉर्म विच इज कॉल्ड एज क्रोमेटिन। सो वी कैन कंक्लूड दैट क्रोमेटिन इज मेड अप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स एंड डीएनए डबल हेलिक्स। अब जब सेल डिवीजन होती है उसमें, तो ये क्रोमेटिन मजीद कंडेंस होते हैं, और ये एक टिपिकल शेप जो इख्तियार करते हैं क्रोमोसोम्स की, जो दो क्रोमेटर्स पर मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट जो सेलुलर स्ट्रक्चर ऑर्गेनेल हम पढ़ रहे हैं वो राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम की सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। दे आर प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एज वेल एज इन यूकैरियोटिक सेल्स।
यहाँ एक बात ये बता चलूँ कि इट इज द ओनली साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली विच इज प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स। जब आप इसकी लोकेशन देखते हैं तो जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें ये साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, इसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड होते हैं, जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। जब हम इसकी केमिकल कंपोजिशन देखते हैं, इट इज मेड अप ऑफ एन इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए, और इसका फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। ये हमारे पास राइबोसोम का स्ट्रक्चर है। राइबोसोम बेसिकली दो सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है। जब जब ये राइबोसोम अपना फंक्शन परफॉर्म कर चुका होता है तो ये दोनों फिर सब यूनिट्स इसकी डिसइंटीग्रेट हो जाती है। ये देखिएगा इसमें ये आपके पास एक जो है ये डॉटेड सी लाइन बनेगा, ये बेसिकली मैसेंजर आरएनए है, और मैसेंजर आरएनए जो है ये बेसिकली जो है इस पे इंफॉर्मेशन कोडेड होती है कि प्रोटीन कैसे बनानी है या कौन सी प्रोटीन बनानी है। तो ये राइबोसोम जो है देखें, ये इसके ऊपर जो है ये आपके पास एक प्रोटीन जो है वो बनी हुई है। प्रोटीन में ये जो बीड्स नजर आ रही है बेसिकली अमाइनो एसिड्स हैं, जो प्रोटीन चूंकि अमाइनो एसिड की बनी होती है तो ये अमाइनो एसिड्स को दिखाया गया। तो यूँ देखिएगा कि इसमें जो आपके पास जो राइबोसोम्स हैं, दिस इज बेसिकली द फैक्ट्री ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये क्या करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। नेक्स्ट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट है व्यू से। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखिएगा, इट इज प्रेजेंट ओनली इन द यूकेरियोट्स बिकॉज इट इज मेम्ब्रेन बाउंडेड, सो इट इज ओनली प्रेजेंट इन द यूकेरियोटिक सेल्स। इसका स्ट्रक्चर देखें, इट इज ऑल्सो अ डबल मेम्ब्रेनस, डबल मेम्ब्रेनस है। उसकी इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स इनफोल्डिंग इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और दीज इनफोल्ड्स आर कॉल्ड एज क्रिस्टी। अब इसके स्ट्रक्चर को देखने के लिए मैं एक डायग्राम ओपन कर रहा हूँ। ये देखिएगा, ये हमारे पास जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका उसकी पिक्चर है। ये देखें, ये इसकी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है जो स्मूथ मेम्ब्रेन है, दिस इज कॉल्ड एज आउटर मोस्ट बाउंड्री, ये डबल मेम्ब्रेनस होता है। ये इनर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन जो ये क्या बना रही है, इट फॉर्म्स फोल्डिंग, और ये फोल्डिंग जो है जहाँ बनाती है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज मैट्रिक्स। को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर है उसके दरम्यान में जो फ्लूइड पोर्शन पाया जाता है दैट इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स, या तो को उसका कोई टिपिकल टर्मिनोलॉजी भी उसका कोई नाम होगा या फिर उसको हम मैट्रिक्स ही कहेंगे। उसके बाद ये दीज इनफोल्ड्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड एज क्रिस्टी, ये क्या कहलाते हैं, क्रिस्टी कहलाते हैं। अब ये एक मेम्ब्रेन और ये दूसरे मेम्ब्रेन के दरम्यान में स्पेस है, दिस इज कॉल्ड एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब यहाँ देखिएगा इसमें कि जो माइटोकॉन्ड्रिया, इट हैज इट्स ओन राइबोसोम्स, यहाँ इसके राइबोसोम्स अटैच हैं, और दीज राइबोसोम्स आर मोर सिमिलर टू बैक्टीरियल सेल एज कम्पेयर टू द यूकैरियोटिक सेल। इट हैज ऑल्सो इट्स ओन डीएनए, इसके ये डीएनए भी इसमें मौजूद है। और इसके अलावा जो है ये जो आपको जो डॉट्स नजर आ रही है, ये बेसिकली वो एंजाइम्स हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है वो क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन है। अब देखें, ये हमारे पास जो है स्ट्रक्चर में दोबारा देखते हैं, इट इज डबल मेम्ब्रेनस, इस इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स इनफोल्डिंग्स इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, एंड दीज इनफोल्ड्स आर कॉल्ड एज क्रिस्टी, और ये जो क्रिस्टी होते हैं दे बेसिकली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एक्शन ऑफ एंजाइम्स जो उसके ऊपर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट वी आर कंटिन्यूइंग द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, दीज क्रिस्टी कंटेन रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, दीज क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स, माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स आर मोर सिमिलर टू प्रोकैरियोटिक सेल देन द यूकैरियोटिक सेल, ये भी आपको मैं पहले बता चुका हूँ। देन फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज बेसिकली साइट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, बेसिकली जो है सेल्स की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पूरी करता है। इट इज ऑल्सो साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होती है जिसके दो मेजर स्टेप्स क्रैब्स साइकिल और ट्रांसपोर्ट चेन है, जो आपने चैप्टर नंबर 7 पढ़ने हैं, वो दोनों जो है बेसिक स्टेप्स जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। नेक्स्ट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो प्लास्टिड्स हैं। प्लास्टिड्स आर बेसिकली पिगमेंटेड ऑर्गेनेल्स विच आर प्रेजेंट इन द प्लांट्स एज वेल एज इन सम फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, जिसमें बेसिकली एल्जी शामिल है। प्लास्टिड्स की 3 टाइप्स होती हैं, एक क्लोरोप्लास्ट हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं, उसके बाद क्रोमोप्लास्ट हैं जो ब्राइटली कलर्ड हैं, दे हैव कलर अदर देन द ग्रीन, देन लीकोप्लास्ट, एंड दीज आर बेसिकली द कलरलेस प्लास्टिड्स।
सबसे प्लास्टर में सबसे पहले हम स्टडी करते हैं क्लोरोप्लास्ट को, और क्लोरोप्लास्ट स्टडी करने के लिए मैं फिर एक डायग्राम ओपन कर रहा हूँ। ये हमारे पास एक डायग्राम है, ये बेसिकली लीफ सेल जो है उसके डायग्राम है, क्रॉस सेक्शन है। ये लीफ की अपर लेयर है जिसको अपर एपिडर्मस कहते हैं, और ये लोअर लेयर है जिसको लोअर एपिडर्मस कहते हैं। दरम्यान वाला तमाम का तमाम एरिया मेसोफिल कहलाता है। इस मेसोफिल्स में देखिएगा, ये जो सेल्स हैं इसके अंदर, ये जो आपको डॉट्स नजर आ रही है, ये बेसिकली जो है इसमें क्लोरोप्लास्ट है। इसके बाद हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट जो है उसका स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट जो है ये भी ओवल शेप का स्ट्रक्चर है। इसमें देखें ये डबल मेम्ब्रेनस है, आउटर मेम्ब्रेन इसकी ये स्मूथ है, और इनर मेम्ब्रेन जो है ये इसकी ये बेसिकली ये क्या करती है कि इनर मैट्रिक्स में फोल्डिंग बनाती है। ये इसके दरम्यान में इनर मैट्रिक्स है। इसके इनर मैट्रिक्स के लिए स्पेशल टर्म्स वर्ड यूज होता है, दैट इज स्ट्रोमा इन द माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी द क्लोरोप्लास्ट मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। ये इनर मेम्ब्रेन जो है ये बेसिकली क्या करती है कि इट फॉर्म्स द मेम्ब्रेन्स विच आर कॉल्ड एज थैलाकाइट्स, और थैलाकाइट मेम्ब्रेन्स आपस में अरेंज करके स्टैक्स बनाती हैं। द स्टैक ऑफ थैलाकाइट इज कॉल्ड एज ग्रेनम। यहाँ इस थैलाकाइट मेम्ब्रेन्स के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, और क्लोरोफिल जो है वो बेसिकली लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और जिससे फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस के दो मेजर जो है वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। थैलाकाइट मेम्ब्रेन में लाइट रिएक्शन होता है, जबकि ये दरम्यान में ये जो स्ट्रोमा है इसमें डार्क रिएक्शन होता है। अब हम क्लोरोप्लास्ट स्टडी करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैव क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रक्चर देखते हैं, डबल मेम्ब्रेन जैसे मैंने बताया था, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ, वाइल इनर मेम्ब्रेन हैव सैक्स कॉल्ड थैलाकाइट्स। देन ग्रेनम, इट इज द स्टैक ऑफ थैलाकाइट्स एंड स्ट्रोमा। फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट जैसे मैंने आपको बताया। देन पिगमेंट्स इज कंटेंट क्लोरोफिल एंड एसोसिएटेड पिगमेंट्स में कैरोटीन्स हैं जो आपके सिलेबस में शामिल हैं। फंक्शंस हैं साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट इज साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बेसिकली जो है प्लांट्स के अंदर जो है जो जिस प्रोसेस से फूड प्रिपेयर की जाती है, दैट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। के दो मेजर रिएक्शन होते हैं, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाइट रिएक्शन जो है वो थैलाकाइड मेम्ब्रेन्स में होता है, जबकि डार्क रिएक्शन जो है वो स्ट्रोमा में होता है। नेक्स्ट आपके पास जो है जो टाइप है वो क्रोमोप्लास्ट है। क्रोमोप्लास्ट जो है प्लास्टिड्स हैं जो अदर देन ग्रीन हैं, दे आर प्रेजेंट इन द फ्लावर पेटल्स एंड फ्रूट्स, और इनका जो मेन फंक्शन है, दे अट्रैक्ट द इंसेक्ट दैट हेल्प इन पोलिनेशन एंड दे आल्सो हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ द फ्रूट्स। जो थर्ड काइंड है प्लास्टिड्स की, दे आर कॉल्ड एज लीकोप्लास्ट, और ये स्टोरेज ऑर्गन जैसे रूट या स्टेम उसमें पाए जाते हैं, और इनका फंक्शन जो है वो फूड स्टोरेज है, और जिनमें फूड जो है वो स्टार्च की फॉर्म में या प्रोटीन या लिपिड्स की फॉर्म में स्टोर होती है। इसके बाद ये असाइनमेंट है जिसमें आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये एक पेज है, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस का दूसरा पेज है, उसके बाद एमसीक्यूज हैं आपके पास, ये एमसीक्यूज का पहला, ये एमसीक्यूज का दूसरा पेज है आपका, उसके बाद ये तीसरा पेज है, फिर ये चौथा पेज है, ये पांचवा पेज है। मैं आपको फिर रिमाइंड करवाता जाऊँ कि इसमें वो एमसीक्यूज सेलेक्ट किए गए हैं जो बोर्ड के पेपर्स में आ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इनको सॉल्व कीजिए, अगर किसी को प्रॉब्लम आती है उसको तो इनबॉक्स कीजिए, मैं आपको जरूर आंसर दूंगा। एट द एंड आई शेल से यू थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, एंड इफ यू लाइक देन सब्सक्राइब द चैनल्स, यू इफ यू कैन आस्क फॉर योर डिजायर लेक्चर्स इफ यू वांट टू स्टडी थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।